हेलो दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूं आपका TSF के इस छोटे से परिवार में। जैसे कि हमने अपना जो लेसन स्टार्ट किया था, हमारा लेसन था NCERT क्लास 10th का मैथ्स जो था, उसमें हम पढ़ रहे थे अपना पहला लेसन रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो उसी का कुछ बचा हुआ पार्ट है जिसको आज हम कंटिन्यू करते हैं और इसको कम्प्लीट करते हैं ये लेसन। फिर कल भी बोला था, आज भी बोला था, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये जो फर्स्ट लेसन है जिसमें हम सिर्फ नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि नंबर क्या होती हैं, नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, थोड़ा सा एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारे पास था रियल नंबर और सेकेंड था आपका इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएँ और आभासी संख्याएँ, ये हमने जाना था। उसके बाद से हमने जो अपने रियल नंबर था उसको डिवाइड करने का काम किया था और कहा था कि जो हमारे रियल नंबर होती हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, फर्स्ट आपका रेशनल नंबर एंड सेकेंड आपका जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से हमने अपने बात की थी कि और कहा था, उसके बाद से हमने पढ़ा था रेशनल नंबर को भी हमने डिवाइड किया था, रेशनल नंबर को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया था। उसके बाद धीरे धीरे आगे हमने पढ़ते गए और उसमें बहुत सारे नंबर हमारे पास आए, कुछ इंटीजर्स आए, इंटीजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद से हमने पढ़ा होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। हाँ, कंपोजिट नंबर से याद आया, कल के वीडियो में एक भाज्य संख्या थी जिसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया था, गलती से वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया गया था, तो वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाज्य संख्या, तो उसको जरा थोड़ा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बोला गया है, कॉम्प्लेक्स मतलब होती है जटिल संख्याएं, और जटिल संख्याएं आपको इंटर में पढ़ने या सुनने को मिलेंगी, अभी फिलहाल में वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स होता है कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड हो जाए, या कह सकते हैं मोर देन टू फैक्टर होते हैं। उसके बाद हमने देखा था अपने नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, तरह तरह के नंबर के बारे में बात किया था। और फिर हम इस निष्कर्ष से पहुँचे थे कि हमारे पास जितने नंबर हो सकते थे, चाहे वो उसको हम इंटीजर्स कहें, चाहे होल नंबर कहें, चाहे नेचुरल नंबर कहें, जो भी हैं, उसको हमने कहा था कि इसको हम रेशनल नंबर की श्रेणी में रख सकते थे। और उस रेशनल नंबर को हम कहते थे कि ये रियल नंबर की श्रेणी में आता था, यानी जितनी सारी संख्याएँ होती हैं, जो संख्याएँ हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी संख्याएं हमारी रेशनल नंबर की श्रेणी में आती हैं, या हम कह सकते हैं वो सारी संख्या, सॉरी, रेशनल नंबर की जगह पे आप रियल नंबर बोलो, सारी संख्या है रियल नंबर, जो संख्या आप सुनो 0, 2, 3, 4, 5, 8, -10, जितनी भी संख्याएं आप ले सकते हो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, -10, -15, जो भी आप मन में जो भी संख्या आती हैं उसको आप कह सकते हो कि सारी की सारी रियल नंबर होती हैं। इसको हमने कल पढ़ा था। आज जो हमको पढ़ना है वो हमको देखना है, और मेनली हमारा जो काम होगा वो हमारा होगा, उसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल मतलब होता है दशमलव, और तो हमको देखना है डेसिमल एक्सपेंशन, क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को हम कह सकते हैं कि दशमलव विस्तार, या हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार, यानी कि जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब डेसिमल के बारे में बात करते हैं, दशमलव के बारे में बात करते हैं, पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हो कि ये जो आप लगभग इस तरह से एक बिंदु बनाते हो, इसी को तो पॉइंट बोलते हैं। किसी भी नंबर के बीच में जैसे लिखते हो 4.5, तो ये जो बीच वाला है यही आपका कहलाता है पॉइंट, और इसी को हम कह सकते हैं कि यही हमारा क्या होता है, दशमलव होता है। तो दशमलव यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव विस्तार में जो हमको देखना है कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं अपने दशमलव विस्तार में, तो दशमलव विस्तार करते वक्त इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं इसी को ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट हमारा आता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो हम बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं, शांत। यानी कि जो फर्स्ट नंबर हमारा आया वो हमारा हो गया टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, और दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं अशांत।
यानी हम ये बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अशांत। अब इसको जब हम बात करते हैं, ये बात इसमें आ जाती है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाता है। तो सिंपल सा आप ऐसा रखना, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। अब बोलोगे टर्मिनेट मतलब क्या हो जाए, या हम कह सकते हैं जो शांत हो जाए, या हम कह सकते हैं जो कट जाए, भाग देने पर जो संख्या पूरी तरीके से कट जाए वो सारी आपकी डेसिमल आपकी हो जाएंगे टर्मिनेटिंग। एग्जांपल के तौर पे कैसे कह सकते हो, मान लीजिए हमारे पास संख्या है, हम लिखे 2.4, डिवाइड हो गया ना, यानी 2.4 फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए डिवाइड करें 5 से 12 में, तो 5 से 12 में डिवाइड होगा, 2 बार में 10 आया, यहाँ पर 2 आया, पॉइंट आया 0 और 5, यानी हो जाएगा 4, यानी आ गया 20, यानी आ गया 2.4। तो 2.4 आपका क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी ये कट गया पूरा पूरा। इसके आगे नहीं, हम लिख सकते हैं 2.3146, ये भी कट गया, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। हम लिख सकते हैं 0.1234, यानी जो कट के पूरा तरह से कट सकता है, या जो कह सकते हैं आगे न डिवाइड हो उसके, वो जीरो शेषफल आ जाए जिसमें कटने के बाद, वो आपका सारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइड नहीं होता है, कटता नहीं है, बचा रह जाता है। कैसे, एग्जांपल से समझो इसको, इसको हम पढ़ सकते हैं 1.01234567 चलता रहे, हम कह सकते हैं 1.21212121 ये चलता रहे। तो ऐसी संख्याएं जो कटती ना हो, लगातार आगे बढ़ती रहें, जितने आप डिवाइड करते जाओ, जहां तक करते जाओ, कहीं कटे ही नहीं, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत संख्याएं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दशमलव संख्याओं को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका है टर्मिनेटिंग और दूसरा आपका है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, अब इस टर्मिनेटिंग को छोड़ देते हैं क्योंकि तो कट गया, इसके बारे में बात नहीं होगी, इसके बारे में इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो कहलाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और दूसरी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और दूसरा कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती, और इसका हिंदी होता है अशांत अनवसानी। अब देखिए क्या है, अब हमने कहा डेसिमल को, दशमलव को हमने दो भागों में बांटा, एक आपका टर्मिनेटिंग था, दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग था। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, जो कट जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो कटते नहीं है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी अशांत आवर्ती, जो नॉन टर्मिनेटिंग कटते नहीं है बट रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, बात करेंगे अभी। अगला था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कटता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा, मान लीजिए हम लिखते हैं 0.12121212, कट नहीं रहा है, डैश 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 सो ऑन आगे बढ़ता है, आप देख रहे हो ना 1212121212, यानी 12 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये कट तो नहीं रहा है बट रिपीट हो रहा है। हम लिखते हैं 0.13333333 डैश डैश सो ऑन, यानी इसमें क्या है, 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, कट तो नहीं रहा है ये भी पूरा, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, 3 का। हम लिख सकते हैं 1.435435435, इसमें भी वही काम है, कट तो नहीं रहा है लेकिन बार बार 435 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं अशांत आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दूसरा इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या है, न तो कटेगा और न ही रिपीट होगा, 0.12345678910 चलता रहे, 0.10100010, यानी ये भी कटता नहीं है, ये भी बार 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 रिपीटेशन होता रहता है, बट इसमें एक क्रम में नहीं होता है, ना तो रिपीट होगा ना ही कुछ होगा। तो ऐसे संख्याओं को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसमें आपको जरा ध्यान देना है,
जो इधर की दो संख्याएं होती हैं, इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, रोक के जल्दी से, चलिए आते हैं। इधर की जो संख्याएं होती हैं ये दोनों, ये यानी कि फर्स्ट आपके पास था टर्मिनेटिंग और सेकेंड था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये आपकी जो संख्या होती है इसको हम रेशनल के कैटेगरी में रखते हैं। ये हमारा किस कैटेगरी में रहता है? रेशनल नंबर। और ये वाली जो संख्या हमको दिखाई दे रही है ये आपका इरेशनल के कैटेगरी में रहता है, इरेशनल के कैटेगरी में रहता है। अब इसी पे हमको चर्चा करना है कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, क्योंकि इधर वाली संख्याओं को हमने कह दिया ये रेशनल नंबर है और ये वाली जो संख्या होती है आपकी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो पार्टों में, इसको हम विस्तार कर देते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये बेसिक है। इसके अलावा अब आप जब पढ़ोगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, नंबर्स क्या होते हैं, कैसे पता करते हैं। तो ये आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत आवर्ती, अशांत अनुवसानी। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए इरेज करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा रेशनल नंबर। अब देखते हैं रेशनल नंबर हमारा क्या होता है। यहाँ से ये मेन आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड स्टार्ट होता है, रेशनल नंबर क्या होता है यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। चलिए इसका डिफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं। अ नंबर which can be expressed in the form of p upon q where q not equal to 0 is called a rational number। चलिए क्या है समझते हैं। ए नंबर एक संख्या विच कैन बी एक्सप्रेस, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, पी अपॉन क्यू। यही समझना है हमको। रेशनल नंबर के बारे में पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था, बस यही जाना था कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो हमने बस ये बोला था कि ऐसी संख्या जिसको p अपॉन q के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो रेशनल नंबर होता है। और बोला गया था इस पे चर्चा जो होगा हमारी बाद में जब लेसन स्टार्ट होगा तो उस पे हम चर्चा करेंगे। तो अब आइए कि ये क्या होता है। अब हमसे बोला, आपसे हमने बोला कि ऐसी संख्या जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। आप बोलोगे सर ये p अपॉन q कहां से आ गया मैथ में, हम मैथ पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं? अरे भाई जब ये पढ़ रहे हो तो इसमें साफ साफ कहा है p अपॉन q, मतलब कि ऐसी संख्या जिसको हम बटे के रूप में, भिन्न के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं जिसमें हम अंश और हर लिख सकते हैं, वे संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q के जगह पे 0 नहीं चाहिए। समझिए कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिख दें 4/7, देखिए p हो गया, ये p हो गया और इसको क्या बोल सकते हो q, p बट्टे में q, एक p हो गया एक q हो गया, एक संख्या ऊपर हो गया एक संख्या नीचे हो गया, इसको बोल सकते हैं रेशनल नंबर। 1/2, देखो एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, ये नोमिनेटर हो गया डिनोमिनेटर हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये आपका भी क्या हो गया, परिमेय संख्या रेशनल नंबर यानी p अपॉन q। 3/5 ये भी तो आ गया, अरे ये भी तो आ गया 3/5, ऊपर p नीचे q, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये सारी संख्या हमारी रेशनल नंबर हैं, यानी ऐसी संख्या जो p अपॉन q के फॉर्म में तो आ गई उनको हमने रेशनल नंबर बोल भी दिया। लेकिन जो ये आगे वाला दे रहा है इसका क्या मतलब, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है, q कौन सा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर हर वाला, यानी हम ये कह सकते हैं जहां पे नीचे वाला अंक 0 नहीं होना चाहिए। सब चीज़ तो ठीक है लेकिन नीचे का अंक जो है हमारा वो 0
कभी नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि जीरो, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लिखें 4/0 परिमेय संख्या है, आप बोलोगे सर पी तो है क्यू भी है, क्यू की जगह पे तो जीरो है, हमने कहा क्यू की जगह पे जीरो नहीं हो सकता, ये परिमेय संख्या नहीं है। 2/0 नीचे जीरो कभी नहीं, कुछ भी हो जाए नीचे जीरो नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। 0/2 0/4 परिमेय संख्या है, अरे बोलो ना है, हाँ है। अभी आपने बोला p/q, p के जगह पे जीरो, q के जगह पे दो, कहीं नहीं लिखा है कि p के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, p के जगह पे जीरो हो सकता है, ये भी p के जगह पे जीरो हो सकता है, q के जगह पे तो चार है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। आ रही बात समझ में? तो इसको ध्यान रखिए कौन सी परिमेय संख्या है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इस तरह से हमारा था रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर क्या होते। अच्छा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, मैं आपसे अगर पूछूं कि मान लीजिए 0.6666 या हो सकता है 4.161616 क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, 0. इतना और 1. इतना क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं, इसको जरा समझिएगा। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो जिस नंबर का रिपीटेशन होगा 6 का हो रहा है ना, तो 0.6 और 6 के ऊपर बार लिख सकते हैं, जिस संख्या का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर बार लगा दिए। बार लगाने का मतलब होता है कि संख्या का बार बार रिपीटेशन, इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है 1616, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.16 के ऊपर बार। मैं लिखना चाहूँ 1.34444444 तो इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है 4 का, तो लिख सकते हैं 1.34 के ऊपर बार, जिसका रिपीटेशन हो उसके ऊपर बार। अभी हम बाद में इसको देखेंगे कैसे होता है, बट ये भी हमारा p/q के फॉर्म में डिनोट हो सकता है और हम कह सकते हैं कि ये सारे भी हमारे रेशनल नंबर आते हैं। अब कैसे p/q के फॉर्म में डिनोट करेंगे इस पर चर्चा हम लेसन में करेंगे, तब तक के लिए इसको आप नोट कीजिए कि ये भी आपका रेशनल नंबर होता है। अगला इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो हमने जान लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो होता है इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ए नंबर विच कैन, यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा, नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी जो संख्या हमारे बट्टे के रूप में नहीं आती वो सारी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या आती है। और अभी हमने पीछे पढ़ा था, डेसिमल एक्सपेंशन किया था, और उसमें हमने देखा था कि संख्याएं कैसी हों, जैसे 1.23456789 कटती ना हो, आगे चलते जाए, रिपीटेशन भी ना हो, यानी ये आपका हो सकता है 1.010 या 01, चलिए 01001000001, इसको भी हम कह सकते हैं कि हमारा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें, क्या और कुछ ऐसी संख्या हो सकती हैं जो अपरिमेय हो सकती हैं, सोचिए, हो सकती हैं शायद। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, पाई, जो पाई होती है, जी हाँ वही पाई जिसकी वैल्यू आप 22/7 लेते हो या 3.14 लेते हो, ये पाई भी आपका जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। पाई को हम अपरिमेय संख्याओं को श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये जो 3.14 होता है ये आप आगे बढ़ोगे तो ये डिवाइड नहीं होता है, ये कटता नहीं है, आगे बढ़ता जाता है, तो ये आपका जो पाई है, पाई को हम इरेशनल नंबर की श्रेणी में रखते हैं। और कुछ हो सकता है शायद, हाँ, तो जितनी रूट की संख्याएँ होंगी, अब रूट में भी ज़रा समझिएगा, रूट की जो संख्याएं होंगी वो दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी संख्याएं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए, और दूसरी संख्या जिसका स्क्वायर रूट ना निकले। जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो आपका रेशनल नंबर की श्रेणी में आ जाएंगी। यानी कि आपसे कोई पूछे रूट वाली संख्या कैसी होती है, रेशनल होती है कि इरेशनल, परिमेय की अपरिमेय, आप बोलोगे दोनों होती हैं, जिसका स्क्वायर रूट निकल गया वो रेशनल, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकला वो आपका इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, अब बताइए कौन कौन सा रेशनल है। देखिए
ये तो आपका इरेशनल अंडर रूट की संख्या, थ्री इरेशनल, फोर, फोर का निकल जाता है स्क्वायर रूट, कितना आता है 2 आता है, जब स्क्वायर रूट निकल गया तो आपका रेशनल नंबर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया, सर आपने बोला 2 रेशनल नंबर और आपने ऊपर लिखा था ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आते हैं। आपने बोला सर, अभी आपने बोला कि 2 इरेशनल नंबर है और ऊपर तो आप ही तो बोले हो कि 2 जो होता है आपका इसमें बट्टे के रूप में तो है नहीं, सिर्फ पी है, क्यों कहा है कि इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो बाबू याद रखो, आप जानते भी हो जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता ही होता है, तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, यानी क्यू आपका क्या हो गया 1, यानी आपका ये क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। मैं आपसे लिख दूं 3 क्या है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है रेशनल नंबर, 0 क्या है रेशनल नंबर, नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी हम कह सकते हैं जितनी भी संख्याएं होंगी चाहे वो होल नंबर हो चाहे वो नेचुरल नंबर हो, वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं रेशनल नंबर होती हैं, चाहे इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, प्राइम नंबर हो, सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं रेशनल नंबर होती हैं। अब आते हैं इसमें, किसी को अगर निकालने नहीं आता है 4 का तो उसको भी मैं बता देता हूं कैसे निकलेगा। 4 2 से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 बार में, फिर 2 से पेयर बना देते हैं, 2 का पेयर हो गया आ गया 5, नहीं निकलेगा इरेशनल, 6 नहीं निकलेगा इरेशनल, 7 नहीं निकलेगा इरेशनल, 8 नहीं निकलेगा इरेशनल, 9 का निकल जाता है 3 आता है, यानी ये क्या हो गया रेशनल नंबर। इस तरह से मैं बोल सकता था कि आपके पास जो संख्याएं होती है रूट वाली वो 2 टाइप की हो सकती हैं, एक हो सकता है रेशनल नंबर, दूसरा हो सकता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या हो गई उसको आपने देख लिया, इरेशनल नंबर में क्या क्या हो गई आपने उसको भी देख लिया। अब एक छोटी सी बात आपने इससे समझा क्या कि जो आपका रेशनल नंबर होगा वो 2 टाइप का हो जाएगा, कौन कौन सा, एक होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा पीछे पढ़ा था जल्दी याद करो, टर्मिनेटिंग अभी लिखा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कौन कौन सा हो गया रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर में कौन आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसी को हम रिपीटिंग को रिक्यूरिंग बोलते हैं, कई जगह रिक्यूरिंग लिखा हो तो उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, ओके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। अब इस तरह से हमारा ये टॉपिक जिसमें हमने ये जाना कि आपका नंबर्स क्या होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी था, यानी कि ये हमारा बेसिक था, जब तक हमको अपने बेसिक के बारे में पता नहीं होगा तब तक हमको परेशानी होगी, तो बेसिक हमको अपना सही करना है ना, कि बेसिक मतलब कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या कैसी है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग परिमेय यानी रेशनल इरेशनल होल नंबर आपका नेचुरल नंबर जो भी नंबर कंपोजिट प्राइम कॉम्प्लेक्स, ये सारी संख्याएं जब तक आपको मालूम नहीं होंगी तब तक आपको एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। आपसे क्वेश्चन कह दे कि रेशनल नंबर चर्चा कर दे रेशनल नंबर, अब आपको यही नहीं पता कि रेशनल नंबर क्या होता है तो फिर तो परेशानी है ना। आपसे कह दिया कंपोजिट नंबर नहीं मालूम भाई, क्या करोगे छोड़ दोगे नहीं, यानी ये आपके पास जो 2 वीडियो था पहला और दूसरा ये मेन था, यानी इसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया नंबर्स के बारे में, जो नंबर आपको सुनने में आएंगे, जो नंबर का यूज करोगे, जिस नंबर को पेपर में लिखेगा क्वेश्चन में लिखेगा, जिसको आपको कहीं बताया नहीं जाएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा ये नंबर का, बार बार नहीं कहेगा कि ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आते हैं, ऐसे नहीं कहेगा टर्मिनेटिंग जो नंबर कट जाते हो, ऐसे नहीं कहेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या आता है, प्राइम नंबर नहीं बताएगा, होल नंबर नहीं बताएगा, वो लिख देगा बुक में। अब आपको इसको समझना है कि ये नंबर होते क्या हैं, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि नंबर होते क्या हैं फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब यहाँ से जो वीडियो प्रोवाइड होगा वो क्लास 9th का अलग होगा, क्लास 10th का अलग होगा, क्योंकि अब जो हम असली पढ़ेंगे वो अपने एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज में हमको पढ़ना क्या है, कल हम जानेंगे लेमा के बारे में, थोड़ा सा लेमा जो हम पढ़ेंगे ना डिवाइड, या हम कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके पहले हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा लेमा क्या होता है, उसको बारे में चर्चा करते हैं, लेमा क्या होता है थोड़ा देखते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक चीज ढूंढने का प्रयास करना बुक में कि लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कैसे ये चीजें होती हैं, क्योंकि ये आपका पूरा एक्सरसाइज अब चलेगा, अब इसी पे आपका एक्सरसाइज आगे रन करेगा। उसके बाद हम लोग एससीएफ देखेंगे, एलसीएम देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें आने वाली हैं जिसको पढ़ के आपको भी मजा आने वाला है कि ये चीजें क्या होती, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और जब नई चीजें सीखने को मिलती हैं तो पढ़ने का असली मजा आता है। ठीक है, तो नई चीजें आप देखिए क्या क्या आपका होगा, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा,
इसके ये नई चीज़ें हैं, टेंथ वालों के लिए नई चीज़ें हैं, नाइन्थ वालों के लिए नई चीज़ें हैं। अब उनको ये समझना पड़ेगा ये चीज़ें होती क्या है। जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप कहोगे अरे वाह ये तो बहुत आसान होता था। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में कि कैसे इन सब चीज़ों को हम निकालेंगे, कैसे क्या करते हैं और कैसे निकालना होता है। तो तब तक के लिए फिलहाल इतना ही आज का क्लास। घर पर रहिए, सेफ रहिए।